नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, UPSC PET 2021 के लिए हम जो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं उसका जो पांचवा टॉपिक है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा पांचवा टॉपिक किस पर आधारित है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा उनमें सुधार से रिलेटेड जो फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सुधार यह टॉपिक जो है आपका सिलेबस जो जारी किया गया था PET का उसमें मेंशन है। तो इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में। तो आपको पता होगा बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है दो बार किया गया था। पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था यह किया गया था 19 जुलाई 1969 को। ये डेट एग्जैक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी तो ये डेट आपको रटी होनी चाहिए। 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी तथा उन्हीं के कार्यकाल में 19 जुलाई 1969 को टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। ये 4-5 फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहीं से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद 19 जुलाई 1969 को जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का, वे कौन कौन से बैंक थे इन्हें भी आइए एक नज़र में देख लेते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद अलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये टोटल 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये बैंक के नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस 4 पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। आपसे डेट पूछी जा सकती है कि जो पहला राष्ट्रीयकरण था वह कब किया गया था तथा पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 14 बैंकों का। जब पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय किसकी सरकार थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। तथा ये चौथा पॉइंट क्या आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उनकी जमा पूंजी कुल कितनी थी, तो 50 करोड़ रुपए से अधिक जिनकी जमा पूंजी थी उन बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। तो 4 पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। वहीं अगर हम अगले राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ठीक यहाँ से भी आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। पहला डेट पूछी जाएगी आपसे, दूसरा जो राष्ट्रीयकरण था ये किया गया था 15 अप्रैल 1980 को, ये डेट आपको रटी होनी चाहिए। 15 अप्रैल 1980 को दूसरा राष्ट्रीयकरण किया गया था उन बैंकों का जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी, यानी कि उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था जिनकी जो जमा पूंजी थी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी तथा टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं वही चीज़ें लिखी हुई हैं, 15 अप्रैल 1980 को पुनः दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस समय कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो इसके बाद पहले 14 बैंकों किया गया, फिर बाद में 6 बैंकों किया गया, टोटल हमारे देश में मिलाकर 20 राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए थे 1980 में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इस बार 6 बैंक कौन कौन से थे, तो आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक, ये 6 बैंक थे जिनका 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद 1993 में जो है न्यू बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय था पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। इस कारण से जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या थी वह 19 हो गई तथा वर्तमान में जो है कितने, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, गूगल करके आप कहीं से भी बताइएगा कि वर्तमान टाइम में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनकी संख्या कितनी, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। आपका होमवर्क आज का है कि आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। अब हम बैंकों में सुधार के बारे में बात करेंगे। कुछ पॉइंट जब के एग्जाम पूछे जा सकते हैं बैंकों के सुधार से रिलेटेड, तो सरफाइसी अधिनियम 2002 के बारे में ये जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस अधिनियम का जो उद्देश्य था, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को अपने NPA यानी कि गैर निष्पादित संपत्तियों की रिकवरी करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि इस बैंक का जो इस सरफाइसी एक्ट 2002 का मेन उद्देश्य था,
बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना जो बैंक थे और जो वित्तीय संस्थान थे वे अपने एनपीए की रिकवरी कर सकते थे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इस अधिनियम में एनपीए की रिकवरी के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए, तो इसे देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर भुगतान न करता है तो गिरवी जो प्रतिभूतियाँ होंगी उसको ये बैंक और वित्तीय संस्थान जब्त कर सकते हैं। इसके बाद प्रतिभूतियों को संपत्ति पुनर्निर्माण के लिए कंपनी बेच भी सकती है। इसके बाद उस कंपनी या संस्थान का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती है। वह कंपनी और संस्थान जो ऋण देने में असमर्थ होते हैं उनको जो है बैंक या जो वित्तीय संस्थान है उनको बेच भी सकते हैं अपने, तथा उनका जो प्रबंधन अपने हाथ में ले भी सकते हैं। यह प्रावधान किया गया था सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत। इसे आप याद देखिएगा। तथा यह जो सरफेसी अधिनियम था इसको 2016 में संशोधित किया गया। तथा इन संशोधनों द्वारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल तथा संपत्ति पुनर्निर्माण की प्रभावता बढ़ाने का कार्य भी किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है सरफेसी एक्ट 2002, तो इसे आप याद ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इंद्रधनुष योजना क्या है। इस योजना का जो उद्देश्य था बैंकों के बढ़ते एनपीए तथा घटते हुए पूंजी पर्याप्तता अनुपात की समस्या का समाधान करना। इसे आप याद देखिएगा, यह योजना अगस्त 2002 में प्रस्तुत की गई थी। इसे आप याद देखिएगा, यह भी एनपीए की समस्या का समाधान करने के लिए ही लागू की गई योजना इंद्रधनुष योजना। जैसे आप याद रखिएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कमेटियों के बारे में बात करेंगे जो बैंक सुधार से जुड़ी हुई हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाएंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटियां मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। आइए वन बाई वन करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट कमेटी है चक्रवर्ती कमेटी। चक्रवर्ती कमेटी ने जो है वर्ष 1985 में बैंकिंग सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की थी। बैंकिंग क्षेत्र में उच्च स्तर की कार्यप्रणाली तथा दक्षता को प्राप्त करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। गैर निष्पादित संपत्तियों को वसूलने के संबंध में सुझाव दिए थे इस समिति ने। तथा सरकार द्वारा इस समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को ठीक से लागू नहीं किया गया था। इस समिति का नाम था चक्रवर्ती समिति तथा यह बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़ी हुई थी। 1985 में इसने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की थी बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड। इसके बाद अगली समिति थी गायपोरिया समिति। गायपोरिया समिति जो थी इसने ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित बात कही थी। बैंकिंग और सेक्टर में जो ग्राहक सेवा सुधार था उससे जुड़ी बात कही गई थी गायपोरिया समिति के द्वारा। इसके बाद अगली समिति जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हन समिति प्रथम और नरसिम्हन समिति द्वितीय। काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति, इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम नरसिम्हन समिति वर्ष 1991 में बनी और यह समिति पूरे वित्त सुधार से जुड़ी थी। प्रथम नरसिम्हन समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नमत हैं। कौन कौन सी सिफारिशें थी आप देख लीजिए। वर्ष 1991 में देश में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीवादीकरण और निजीकरण तथा और वैश्विककरण के जो सुधार थे उसको लागू किए जा चुके थे। अब इसे आप याद देखिएगा। इसके बाद मौद्रिक नीति के उपकरणों को नीचे लाया जाए, यह भी सिफारिश दी गई थी किसके द्वारा, तो नरसिम्हन समिति के द्वारा। इसके बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए गैर सरकारी एवं विदेशी बैंकों को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए गैर सरकारी एवं विदेशी बैंकों के रास्ता भी दिया जाए हमारे देश में आने के लिए, यह सिफारिश की थी नरसिम्हन समिति प्रथम ने। इसके बाद भारत में चार स्तरीय बैंकिंग सेवाओं, यह भी कही गई थी नरसिम्हन समिति प्रथम के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, जिला स्तरीय और ग्राम स्तरीय यानी कि चार स्तरीय बैंकिंग की व्यवस्था करने की सिफारिश कही थी नरसिम्हन समिति प्रथम ने। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं अगर हम नरसिम्हन समिति द्वितीय की बात करें तो द्वितीय नरसिम्हन समिति वर्ष 1998 में बनाई गई थी। ये समिति पूर्णतः बैंकिंग सुधारों से संबंधित थी। इस समिति के सुझाव जो हैं निम्नवत हैं, इन्हें आप देख लीजिए। गैर निष्पादित संपत्तियों यानी कि एनपीओ में सुधारों द्वारा बैंकों के परिसंपत्तियों को मजबूत बनाने की बात इस समिति ने कही थी। इसके बाद नष्ट परिसंपत्तियों के लिए एक संस्था बनाई जाए ताकि उनको वसूला जा सके। इसके बाद अगली बात क्या कही थी समिति ने, प्राथमिकता क्षेत्र में आप याद रखिए जो प्रायोरिटी सेक्टर में ऋण दान को रोक दिया जाए जिससे बैंक को एनपीए में कमी की जा सके। तो ये रिकमेंडेशन करी गई थी नरसिम्हन समिति द्वितीय के द्वारा जो 1998 में बनाई गई थी। तो ये नरसिम्हन समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट समिति कौन सी है, अब वर्मा समिति। वर्मा समिति की बात क्या है देख लीजिए। यहाँ पे वर्मा समिति ने वर्ष 1998 में
इसको गठित किया गया था। वर्मा पैनल ने कमजोर बैंकों को बड़े बैंकों में विलय कराने की सलाह दी थी, यानी कि वर्मा पैनल का जो गठन था किया गया था 1998 में, इसने रिकमेंडेशन रिकमेंड किया था कि जो कमजोर बैंक है उनका विलय बड़े बैंकों में कर दिया जाए। इसके बाद दामोदर समिति की अगर हम बात करें तो दामोदर समिति 2011 में बनाई गई थी। इसके सुझाव कौन कौन से थे देख लीजिए यहाँ पे, और बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों से उपयोगकर्ता शुल्क को घटाने की सिफारिश करी थी इसने। इसके बाद बैंक खातों में न्यूनतम राशि बनाए रखने की आवश्यकता को हटाने की बात कही थी दामोदर समिति ने, जिसे भी देख लीजिए आप। इसके बाद ग्राहकों द्वारा बैंकों में ऋण हेतु बंधक रखी गई परिसंपत्तियों एवं उनसे संबंधित दस्तावेज ऋण चुकाने के 15 दिनों के अंतराल में वापस देने का सुझाव दिया गया था, इससे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बैंकों से संबंधित शिकायतों के लिए एकीकृत सहायता केंद्र यानी कि कॉल सेंटर खोलने का भी सुझाव दिया था इस समिति ने, जिसका नाम था दामोदरन समिति, इसे भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट समिति कौन सी है ये देख लेते हैं, और विमल जलान समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिए आप। और विमल जलान समिति का गठन जो है 2013 में किया गया था, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तथा विमल जलान कौन थे, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर जनरल रह चुके थे। इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन किया था इसे देख लीजिए, और बैंकों के लाइसेंस से जुड़े कुछ निर्देश इन्होंने दिए थे। इसके बाद इन्हीं की सिफारिश पर जो है वर्ष 2014 पर IDFC यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी और बंधन बैंक, जो कि पहले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां थीं, इन दोनों को बैंक का दर्जा दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और विमल जलान समिति के कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही जो है IDFC और बंधन बैंक को जो है बैंक बनाने का दर्जा दिया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये बंधन बैंक और IDFC पहले NBFC थे, जिनको बाद में बैंक का दर्जा दिए जाने का रिकमेंडेशन किया था विमल जलान समिति ने। इसके बाद NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऐसे क्षेत्र जहां ऋण की मांग ज़्यादा और बैंकों की पहुंच कम हो, वहां NBFC यानी कि प्राइवेट कंपनियों द्वारा जनता को ऋण दिया जाता है। यदि उनका काम अच्छा होता है तो उन्हें बैंक बनाया जा सकता है। ये बैंक से दो तरह से अलग होंगी, भारतीय बैंकिंग एक्ट के तहत पंजीकृत ये NBFC नहीं होंगी, यानी कि जो NBFC होंगी ये भारतीय बैंकिंग एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं होंगी। ये जमा नहीं सिर्फ ऋण देते हैं, यानी कि जो NBFC होते हैं यहाँ पर डिपॉजिट नहीं किया जा सकता, सिर्फ ये ऋण देने का कार्य करते हैं। बैंक बनने के लिए इनके पास 200 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियाँ और इनका कुल NPA 5% से कम होना चाहिए। तो ये सभी रिकमेंडेशन किया गया था विमल जलान समिति के द्वारा, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आखिरी और महत्वपूर्ण एक और समिति है, जिसका नाम है नचिकेत मोर समिति, इसके बारे में देख लेते हैं। नचिकेत मोर समिति वर्ष 2016 में आई थी, इसने क्या क्या सिफारिशें की थी, तो प्रत्येक वयस्क का एक खाता हो, इसने रिकमेंड किया था। नचिकेत मोर समिति ने कहा था कि भारत का प्रत्येक वयस्क जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है उसका एक खाता हो, हमें देश के हर 15 मिनट की दूरी पर जो है बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो। इसके बाद प्राथमिकता क्षेत्र को मिलने वाला ऋण 40% से बढ़कर 50% कर दिया जाए। इसके बाद अपना KYC जो होता है, KYC को लाने का सुझाव जो था इसी और नचिकेत मोर समिति ने ही दिया था, आप ध्यान दीजिएगा। अपना ग्राहक जानो यानी कि नो योर कस्टमर का सुझाव जो था यह नचिकेत मोर समिति ने ही दिया था। इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के लिए अलग अलग बैंक हो, यह भी सुझाव दिया गया था नचिकेत मोर समिति के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियाँ थी जो बैंकिंग सुधार से रिलेटेड थी, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाएंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक था बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार, इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है। तथा अगला टॉपिक हमारा जल्दी चैनल में अपलोड किया जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।